बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फूड इंस्टेंट चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल मीठा गुलत्ती। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप सेला चावल, जिसमें हमने मिला दी हैं 2 से 3 दालचीनी और 2 से 3 लौंग, और उसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक उबाल लिया था पानी में। इसके अलावा हमें चाहिए 3 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून देसी घी घर में बनाया हुआ, 1/2 कप दूध, 1/2 कप चीनी, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, 6 से 8 हरी इलायची, यह है मावा घर में बनाया हुआ, और यह है चमचम जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मिठाई भी आप अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे डेगची में और देसी घी ऐड करेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे लो टू मीडियम रखी हुई है। मिक्स करेंगे और उसमें अब हम इलायची ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा, ये घर में बनाया हुआ मावा है। मावे को हमने पकाते रहना है मीडियम फ्लेम पे जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मावा पक रहा है, ख्याल रखिएगा कि जल नहीं जाए, कंटिन्यूसली हमें चम्मच हिलाते रहना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है इलायची की, देसी घी की। मावा बहुत अच्छे से पक रहा है, मावा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें बहुत ही अच्छे से इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं। 5 से 8 मिनट तक हमने इसको पकाया है, आँच अब यहाँ पे बिल्कुल ही लो कर देनी है। अब यहाँ हम थोड़ा सा मावा निकाल के रख लेंगे अलग से। तकरीबन इतनी क्वांटिटी में हमने मावा निकाल के अलग रख लिया। अब मिल्क ऐड करेंगे, चम्मच हिलाते रहिएगा, थोड़ी चीनी ऐड करेंगे यहाँ पे, दो तीन मिनट तक हम इसको ऐसे ही मिलाते रहेंगे। अब हम थोड़े थोड़े करके चावल ऐड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम चावल ऐड कर रहे हैं और थोड़े से चावल यहाँ पे इस तरीके से बचा लेने हैं। अब जो मावा हमने निकाला था पहले वो यहाँ पे डाल देंगे। मावे के ऊपर बचे हुए चावल डाल देंगे, बची हुई चीनी अब हम यहाँ चावलों के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, मिठाई भी डाल देंगे। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रख के हमने इसको कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है अभी गुलत्ती। अब दोबारा अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के लिए फिर से ढक के रख देंगे। गुलत्ती यहाँ पे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ऊपर से बादाम पिस्ता क्रश किए हुए हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल देंगे।